हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो वन बाय वन मैं आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चंस करा दूंगी, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है वो किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ऑप्शन आपके पास साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है वो साहित्य क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है और किसके लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हो या नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है ताकि भारतीय भाषाओं के जो साहित्यकार हैं वो रचनात्मक लेखन में उन्हें मोटिवेशन मिल सके, वो और भी रचनात्मक लेखन का कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रोवाइड किया जाता है उसके तहत कितनी राशि पुरस्कार को प्रदान पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख या 51 लाख। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जिस भी साहित्यकार को ये पुरस्कार दिया जाता है उसे 11 लाख की राशि भी प्रोवाइड की जाती है। फिर कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। 1954 से, 1961 से, 1965 से या 1969 से। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से रिलेटेड है, पुलित्जर, मैग्सेसे, भारत रत्न या ज्ञानपीठ। तो अभी हम ज्ञानपीठ के बारे में ही बात कर रहे हैं जो कि साहित्य से रिलेटेड है। तो यहाँ भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो केवल साहित्य से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे। हिंदी साहित्य से थे, बांग्ला साहित्य के थे, कन्नड़ साहित्य के थे या मलयालम साहित्य के थे। नाम नहीं पूछा आपसे, ये पूछ रहा है कि किस साहित्य के थे। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, मलयालम साहित्य के। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्रथम विजेता साहित्यकार थे वो मलयालम साहित्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है। नाम पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास जी शंकर कुरु, तारा शंकर बंदोपाध्याय, के वी पुटप्पा या उमा शंकर जोशी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार थे आपके जी शंकर कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। एचएस वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक था आपके सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी। महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी या आशापूर्णा देवी या अमृता प्रीतम। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार थी आपकी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशापूर्णा देवी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो थी आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी या कोकड़ी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधी भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर रावरी भरद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेलुगु भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, नृत्य, साहित्य, नाट्य अभिनय या फिल्म निर्माण। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, साहित्य। फिर कह रहा है कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह या विजय तेंदुलकर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई, सरस्वती सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान या यति यतन लाल सम्मान। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं, 14, 18, 20 या 22। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या उद्योग। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाता है। फिर यहाँ आपको सही सुमेलित करना है, सॉरी यहाँ आपको ये बताना है कि सही मैच कौन सा नहीं है, यानी चार में से 3 सही मैच है और 1 सही मैच नहीं है, उसी को आपको फाइंड करना है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एकदम सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये भी एकदम सही है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। पुलित्जर पुरस्कार जिसे अभी हमने डिस्कस किया है, धर्म में प्रगति के लिए दिया जाता है, ये गलत है, यानी ये सही मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बिहाव पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य और पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, फिल्म, साहित्य, नृत्य या संगीत। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, साहित्य। फिर कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है, भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। फिर कह रहा है कि इनमें से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, वीएस नायपाल या अरुंधति राय। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ को अभी तक बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, इसके अलावा 3 को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, अंग्रेजी के सभी लेखक, राष्ट्रमंडल और आयरमंडल से अंग्रेजी के लेखक, राष्ट्रमंडल के लेखक या ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रमंडल और आयरमंडल से अंग्रेजी के लेखक के जो देश, यहाँ आपका मैन बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल और आयरमंडल से अंग्रेजी के लेखक पर देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता या संगीत। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, साहित्य के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। फिर कह रहा है कि कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया, पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है, अभिनय, संगीत, गायन या बॉक्सिंग। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संगीत के क्षेत्र में। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार या दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नरगिस दत्त पुरस्कार। फिर कह रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या अशोक चक्र। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला,
पृथ्वीराज कपूर को, श्रीमती देविका रानी को, श्रीमती कानन देवी को या बीएन सरकार को? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमती देविका रानी को। फिर कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? अमिताभ सिंह, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, दादा साहब फाल्के या मीना कुमारी? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। फिर कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती कानन देवी, जेमिनी गणेशन या श्रीमती देविका रानी? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहार पे वो है कौन सा, सी ऑप्शन, जेमिनी गणेशन। फिर कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा या फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। फिर कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? यानी जो ऑस्कर पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है वो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है? पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म या खेल? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय कौन थे? अनिल कपूर, भानु अथैया, सत्यजीत रे या विमल राय? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे। फिर कह रहा है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित, साहित्य, रसायन शास्त्र या नृत्य? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, गणित के क्षेत्र में। फिर कह रहा है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन आपके पास साहित्य, अभिनय कला, विज्ञान या समाज सेवा? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विज्ञान। फिर कह रहा है कि किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रितु बेरी, नीता लूला, मनीष मल्होत्रा या भानु अथैया? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भानु अथैया को। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? वर्ष के श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, खेल में असाधारणता के लिए? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। फिर कह रहा है कि कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को, सीएसआईआर, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। फिर कह रहा है कि जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या कालिदास पुरस्कार? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? भारत रत्न, पद्म भूषण, अशोक चक्र या कलिंग पुरस्कार? तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि जो कलिंग पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि धनवंतरी पुरस्कार जो प्रोवाइड किया जाता है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चिकित्सा क्षेत्र। फिर कह रहा है कि डॉक्टर बी सी राय पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी सी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है। फिर कह रहा है कि विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक लेखन? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। कह रहा है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस या इंडोनेशिया? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिलीपींस द्वारा। यानी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे हैं कि इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फिलीपींस। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, विश्व खाद्य संगठन, भारत सरकार, फिलीपींस सरकार या यूनेस्को। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिलीपींस सरकार। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है कौन सा पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न या अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, वर्गीज कुरियन, अरविंद केजरीवाल, बाबा आमटे या विनोबा भावे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म भूषण या महावीर चक्र। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कृषि, साहित्य, समाज सेवा या खेलकूद। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृषि के क्षेत्र में। फिर कह रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी पुरस्कार जो ऑस्कर पुरस्कार है का आयोजन किस देश में होता है, फ्रांस में, कनाडा में, यूके में या यूएसए में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, पर्यावरण प्रतिरक्षा या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। फिर आपसे कह रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, यानी किस महान काम के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है, वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, वन्य जीव संरक्षण में या पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। फिर कह रहा है कि लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, खेल, सिनेमा, साहित्य या संगीत। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, खेल। फिर कह रहा है कि कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो खेल कूद से रिलेटेड नहीं है। फिर कह रहा है कि किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, सरस्वती सम्मान आपका इससे रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड है, ना कि खेल से। फिर कह रहा है कि अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं, संगीत एवं नृत्य, साहित्य, खेलकूद या कला एवं संस्कृति। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलकूद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या मूर्ति देवी पुरस्कार। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है, यानी जिस भी पर्सन को अर्जुन पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है उसे नगद राशि कितनी दी जाती है, 50,000, 1,00,000, 3,00,000 या 5,00,000। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5,00,000 प्रोवाइड की जाती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है, भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, विश्व के लोगों में अंतरराष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने के लिए, शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, फर्स्ट है पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, 5,00,000 नगद तथा मानपत्र दिया जाता है। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है या गलत है, ये सही स्टेटमेंट है अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड। फिर कह रहा है पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये भी सही है। पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, ये भी सही है।
मिस कह रहा है कि पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाना स्टार्ट हुआ किस वर्ष से स्टार्ट हुआ, किस वर्ष स्थापित किया गया, 1984 में, 1985 में, 1987 में, 1988 में। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1985 ईस्वी। फिर कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, शांति, क्रीड़ा प्रशिक्षण या वीरता। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रीड़ा प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हुए तो 1985 में आरंभ किया गया, बिल्कुल सही बात है। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, 5,00,000 नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, ये भी सही है। पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी ये गलत है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर कह रहा है कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, गोल्डन बियर पुरस्कार या ग्लोबल 500 पुरस्कार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार। फिर कह रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है, मदर टेरेसा को, जे आर डी टाटा को, आचार्य तुलसी को या डॉक्टर जे रंगास्वामी को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, 1,50,000, 50,00,000, 1,00,000 या 2,00,000। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, 1,00,000। फिर कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है, भारत की एकता और अखंडता, कला और संस्कृति, सामाजिक कार्य, उद्यमिता। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए, भारत की एकता और अखंडता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, नीरजा भनोट पुरस्कार, चमेली देवी पुरस्कार, नायदुम्मा पुरस्कार या टिम्पल्टन पुरस्कार। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरजा भनोट पुरस्कार। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, शांति स्थापना, स्वास्थ्य सेवाएं या गरीबी उन्मूलन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण। फिर कह रहा है कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, 8, 5, 10 या 6। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, 6। प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर कह रहा है कि किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित या रसायन। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रोवाइड किया जाता। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की, यूएसए ने, यूके ने, रूस ने या स्वीडन ने। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वीडन ने। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या यूएसए। यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है लेटेस्ट में, यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, यानी किसकी याद में दिए जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर या आर्ट्रेम मालरॉक्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसे जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, 2, 3, 4 या 5। तो कौन सा सही हो जाएगा, 3, अधिकतम 3 लोगों की भागीदारी में ही प्रोवाइड किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, 1901 में, 1905 में, 1934 में या 1900 में। यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा कि नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिए जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया अल्फ्रेड नोबेल की, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम 84 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 85 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, भौतिकी, साहित्य, औषधि विज्ञान या रसायन विज्ञान। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, साहित्य के लिए। फिर कह रहा है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1934 में। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1930 में। फिर कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1900 से 1901, 1961 या 1969। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1969 से। फिर आपसे पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर सेन या मदर टेरेसा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी, साहित्य, अर्थशास्त्र या चिकित्सा। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हर गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी या चिकित्सा व शरीर विज्ञान। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? 1997 में, 1998, 1999 या 1996। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1998 में मिला था। फिर कह रहा है कि भारतीय मूल के दो अमरीकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? हरगोविंद खुराना व सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व सीवी रमन, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या अमर्त्य सेन या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उससे उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग में, यानी नोबेल पुरस्कार विजेता और उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र है उनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से रिलेटेड थे, ये एकदम सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर आपके साहित्य से ही रिलेटेड थे। सीवी रमन भौतिकी से रिलेटेड थे, ये भी सही है। हर गोविंद खुराना भौतिकी से रिलेटेड थे, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन के भी आप आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदर टेरेसा शांति से रिलेटेड थी, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एक मिनट, अभी हमने 93 डिस्कस किया। हाँ, कह रहा है कि इनमें से किन दो भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन एवं हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना या सीवी रमन एवं अमर्त्य सेन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? विक्रम सेठ, अरुंधति राय, वी एस नायपाल या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी एस नायपाल। फिर आपसे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1911, 1912, 1913 या 1917। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1913 में। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, एच जी खुराना या मदर टेरेसा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू को कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। फिर आपसे कह रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रसायन शास्त्र, वैश्विक शांति, अर्थशास्त्र या चिकित्सा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? राजा चेलिया, सी रंगराजन, अमर्त्य सेन या के एन राज। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति या विश्व बैंक। तो यह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? भौतिक तथा रसायन, रसायन तथा औषधि, भौतिक तथा औषधि या रसायन तथा शांति। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भौतिक तथा रसायन यानी फिजिक्स तथा केमिस्ट्री। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? साइमन पुटनेट्स, वासिली लियंटिप, मिल्टन फ्रीडमैन या पॉले सैमुलसन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल ए सैमुअलसन। फिर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? मनीला में, स्कॉटहोम में, जिनेवा में या न्यूयॉर्क में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कॉटहोम में। फिर कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर रॉबर्ट मॉडल, गेरी एस बेकर, अमर्त्य सेन या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर अमर्त्य सेन।
फिर आपसे कह रहा है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेडियो धर्मिता, क्रायोजेनिकी, ध्वनिमापी या प्रकाश प्रकीर्णन? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या अमर्त सेन? तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदर टेरेसा। फिर पूछ रहा है कि कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। फिर आपसे कह रहा है कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1950 में, 1952 में, 1954 में या 1960 में? तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1954 में। फिर कह रहा है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर भगवान दास? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? एम श्री रामचंद्रन, श्री बी आर अम्बेडकर, के कामराज या लाल बहादुर शास्त्री? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। कह रहा है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति यानी भारत रत्न किस प्रथम विदेशी को दिया गया? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार का, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग या यासर अराफात? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को। फिर कह रहा है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? मदर टेरेसा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग या अब्दुल गफ्फार खां? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। फिर कह रहा है कि भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, गुलजारीलाल नंदा, गोविंद वल्लभ पंत या लाल बहादुर शास्त्री? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। फिर कह रहा है कि किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला को, बिल क्विंटन को, एडोल्फ हिटलर को या बोरिस यल्त्सिन को? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला को। फिर कह रहा है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, पीपल के वृक्ष के समान, यानी भारत रत्न का जो डिजाइन है वो पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। फिर कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? लता मंगेशकर, एम एस सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर या पंडित भीमसेन जोशी? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम एस सुब्बालक्ष्मी। फिर कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाले कौन है, यानी इनमें से भारत रत्न पाने वाले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर या सभी विकल्प सही हैं? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर ये सभी भारत रत्न पाने वाले थे, यानी इन सभी को भारत रत्न मिला था। फिर कह रहा है प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, बी सी राय या सी वी रमन? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वी रमन को। फिर आपसे कह रहा है कि भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक सी एन आर राव का संबंध किससे है? रसायन विज्ञान से, भौतिकी से, अंतरिक्ष से या कंप्यूटर विज्ञान से? या ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रसायन विज्ञान से यानी केमिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या सरोजिनी नायडू? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह या सचिन तेंदुलकर? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, सचिन तेंदुलकर पहले खेल से रिलेटेड व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रोवाइड किया गया। फिर कह रहा है कि कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर कह रहा है कि कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र या महावीर चक्र? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा है कि कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या अशोक चक्र पुरस्कार? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक चक्र। फिर कह रहा है कि गोल्डमैन पुरस्कार किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से, वैज्ञानिक शोध से, चिकित्सा विज्ञान से या कृषि विज्ञान से?
तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए, पर्यावरण से। गोल्डमैन पुरस्कार जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जी डी गोयन का पुरस्कार किसके निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था, विज्ञान, पत्रकारिता, प्रौद्योगिकी या क्रीड़ा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए ये जो पुरस्कार है ये बढ़ावा दिया गया, यानी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए जी डी गोयन का पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। तो यह बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी या 1954 ईस्वी। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1951 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, मधुस्प्रे, पर्सिस खम्बाटा, रीता फायर या सुष्मिता सेन। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली जो भारतीय थी वो थी सुष्मिता सेन। इस क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, पी सदाशिवम, पॉली नरीमन, कैलाश सत्यार्थी या के राधा कृष्णन। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। तो इस वीडियो में हमने टोटल 130 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो कि आपके किससे रिलेटेड थे, विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से रिलेटेड थे और जो सम्मान से रिलेटेड थे, यानी सम्मान और पुरस्कार से रिलेटेड हमने 130 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप ये 130 क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी खेल से रिलेटेड, सम्मान से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो आपको ना आए। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेगुलर ऐसे ही टॉपिक वाइज कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।